सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम, इसमें भी थोड़े से वर्क ऐसे हैं जो अब तक हम लोगों ने किया है, उसमें इस में जो यूज होना है वो नहीं आया है। एक बार प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ए पार्टिकल मूव्स विथ ए सेंट्रल एक्सीलरेशन न्यू इन ब्रैकेट 3u³ + a² u⁵। ये आपका सेंट्रल एक्सीलरेशन है, इसी से पार्टिकल मूव कर रहा है। बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस ए, फिर यहाँ देखें इस बात को, जब क्वेश्चन सेंट्रल ऑर्बिट का आता है तो हमें देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो एफ से किया जा रहा है कि नहीं। तो फिर यह फ्रॉम ए डिस्टेंस ए, एफ नहीं है, इसलिए एफ से जब किया जाता है तो वहाँ du/dθ जीरो आ जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि एट एंगल 45 डिग्री, जो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था वो cot इनवर्स 2 था, अब उस cot इनवर्स 2 एंगल को ही दे दिया है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से जैसे हमारा कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो किस वेलोसिटी से, हमें देखते हैं कि एफ से किया जा रहा है कि नहीं, तो वो नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद से किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दिया है, विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू दैट इन ए सर्किल ऑफ द सेम डिस्टेंस प्रूव दैट। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कि जैसे आपका सेंटर ऑफ फोर्स है इससे जितने डिस्टेंस पर है, यदि यह डिस्टेंस ए है तो इसी डिस्टेंस का एक रेडियस का हम सर्किल लें और उस सर्किल पर कोई पार्टिकल मूव करे और इसी एक्सीलरेशन से मूव करे, तो उसमें जो वेलोसिटी हमको मिलेगा उसी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। तो किसी सर्किल पे पार्टिकल मूव करे तो जो वेलोसिटी मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो वो वेलोसिटी हमको पहले निकालना पड़ेगा। और जब इसमें एप्स से वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है तो du/dθ जीरो नहीं होगा। तो जब du/dθ जीरो नहीं होगा तो उसके लिए जैसे cot इनवर्स 2 में हम लोगों ने लिखा था कि 1/p² को 1/r² + du/dθ + 1/r² + 1/r⁴ dr/dθ² उसको u में बदला तो वही आया जो f से हम लोगों ने निकाला था। तो अब उसके लिए जो मेथड इसमें पहले हम लोगों ने यूज किया था उसका फिर एक बार यूज करेंगे, लेकिन अभी अभी आपको क्या करना है उसमें आगे देखिए कहा जा रहा है प्रूव दैट द टाइम टू द सेंटर ऑफ फोर्स। अब आपको इसमें निकालना क्या है, सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन नहीं निकालना है। सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन निकालना होता तो जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम किए हैं वैसे आगे बढ़। इसमें कहा जा रहा है कि जिस एक्सीलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसी से यदि जो डिस पॉइंट है, यदि इसको ए ले रहे हैं तो इस ए से सेंटर ऑफ फोर्स पर आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को डिटरमिन करना है। यहाँ सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन क्या है ऐसा हमको नहीं निकालना, टाइम निकालना। तो टाइम निकालने का एक क्वेश्चन और हम लोगों ने किया था, लेकिन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो जब भी आपको टाइम निकालना होता है उसके लिए जो फार्मूले का यूज करते हैं उसको आप देखें, तो ये सॉल्यूशन, ये पार्टिकल मूव्स विथ ए सेंट्रल एक्सीलरेशन दिस बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस ए, अब यहाँ दे दिया गया है कि ये सेंटर ऑफ फोर्स से ए डिस्टेंस पर यह है और इसी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो किस वेलोसिटी से करेगा, पहले उस वेलोसिटी को हम लोग लें, लेकिन एक्सीलरेशन क्या दिया गया कि इट इज गिवन, इट इज गिवन दैट एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन पी इज इक्वल टू म्यू 3u³ + a² u⁵। इट इज गिवन दैट सेंट्रल एक्सीलरेशन पी इज इक्वल टू दिस,
एंड प्रोजेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड एट डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ फोर्स लेट भी बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट ए. हमने ये सपोज कर लिया कि जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करना है वो कैपिटल भी है, तो अब इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी हमको निकालना है. तो ये वेलोसिटी किसके इक्वल है कि इसी डिस्टेंस पर यानी सेंटर ऑफ फोर्स से ये डिस्टेंस पर है तो ये रेडियस का कोई सर्किल है और उस सर्किल पर इसी एक्सीलरेशन से यदि पार्टिकल मूव करे तो जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपका यहाँ से टेंजेंट लेंगे तो ये 45 डिग्री यह दिया गया कि जो प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री पे. तो अब आप यहाँ से हम वेलोसिटी को निकालेंगे तो वेलोसिटी को निकालने के लिए सर्किल के लिए जो हमारा सर्किल होता है यह सर्किल है इस सर्किल का जो रेडियस है वो ये है सर्किल का रेडियस है वो ये है और इसमें जो एक्सीलरेशन होता है क्योंकि इसका सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा वही सेंट्रल एक्सीलरेशन होगा तो सेंटर की तरफ जो इसमें एक्सीलरेशन आता है वही हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन यानी टेंजेंट कहला टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन और सर्किल पर टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन होगा वो सेंटर से होके ही जाएगा. तो सेंट्रल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो भी स्क्वायर बाय रो. तो सिंस भी स्क्वायर बाय रो इज इक्वल टू टू यह जो एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन है और वो भी स्क्वायर बाय रो और यही एक्सीलरेशन किस फोर्स के द्वारा तो जिस फोर्स का एक्सीलरेशन ये है उसी से इसको तो अब इसकी वैल्यू ए डिस्टेंस पर या तो आर जब हम लेते हैं वन बाई करते हैं तो यू आता है तो अब आर नहीं आर यहाँ हमारा यह जो आर की वैल्यू है वो ए है तो इसलिए यू की वैल्यू वन बाई ए. तो अब यहाँ से हम लिखेंगे तो भी स्क्वायर और रो सर्किल का रेडियस आप करवे चाहे उसका रेडियस ही होता है ए. अब यह एक्सीलरेशन पी तो यह म्यू और यू को आर में चेंज करेंगे तो वह वन बाई आर क्यूब और आर यहाँ ए तो यानी थ्री बाई ए क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बाई ए टू द पावर फाइव. जब आर की वैल्यू यहाँ ए है तो यू को आर में चेंज करें तो वन बाई आर और आर की जगह ए लिखे तब हमको ये मिल जाएगा. अब इसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो यह म्यू ए स्क्वायर और यह ए टू द पावर फाइव है तो यह ए क्यूब बच गया यानी फोर म्यू बाई ए क्यूब. अभी एक ए आपका समाप्त होगा तो अभी पहले इसको लिख लें तो म्यू और यह फोर और बाई ए क्यूब ऐसा है. तो अब यह ए से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो दिस इंप्लाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर म्यू बाई ए स्क्वायर यह आ गया या इसी को भी की जब जरूरत होगी तो टू रूट म्यू बाई ए ऐसा आ जाएगा. तो यह हमने वेलोसिटी निकाल लिया इसी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो पहला वर्ग तो हो गया. लेकिन हम ये देखें कि जब हमको सेंट्रल ऑर्बिट की को यहाँ निकालना नहीं है तो क्या हमको इस भी की जरूरत पड़ेगी क्या.
तो अब उस पे आम है कि हमको निकालना क्या है, टाइम हमको कहा जा रहा है कि इस ए से और यह जीरो तक आने में इस एक्सीलरेशन से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो जब टाइम हमको निकालना होता है तो पीछे भी बताए थे कि टाइम के लिए आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच, यानी यच यहाँ हमको चाहिए, तो यच हमको वही सेंट्रल ऑर्बिट के इक्वेशन से ही मिलता है। पहली बार दूसरा और देखें, पहले हमको जो चीज़ निकालने जा रहे हैं उसमें हमको किसकी ज़रूरत है और क्यों निकालने जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सीधे आपको स्टार्ट करते हैं कि हमको जो निकालना है उसके लिए क्या चाहिए। तो भी की जो वैल्यू आया है आपका, यह भी की वैल्यू और भी स्क्वायर, यानी यह भी, तो ये वैल्यू आ गया टू रूट न्यू और बाई ए, यह निकाल लिया गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि जहाँ जरूरत होगी भी की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ निकाल करके रख लिया है। अब हमको निकालना है टाइम, तो जब टाइम निकालना है तो देखें कि टाइम के लिए हमको चाहिए क्या और जो चाहिए उसको निकालेंगे। ऐसे हमको जब सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन नहीं पूछा जा रहा है तो जो हम करते रहें उसको क्यों करें। तो अब इस देखें, जब भी टाइम आपको निकालना होता है तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, पीछे भी वर्क किया गया है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो इन ए सेंट्रल फोर्स आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच, ये चीज़ हमको चाहिए। अब आप देखें आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये हमको, तो ये डी टी को ट्रांसपोज करेंगे, एच यदि निकाल लें उसको रख दें और इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा, लेकिन ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, तो वो टाइम चाहिए जब आर की वैल्यू ए है, तो आर की वैल्यू ए से जीरो तक, ए से जीरो तक चाहिए। कहा जा रहा है कि इसको सेंटर ऑफ फोर्स तक आने में कितना टाइम लगा, तो हमारा जो ये अननोन है, जो ये वेरिएबल है, वो थीटा और टी में है, और हमको थीटा और टी नहीं चाहिए, हमको आर और टी चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू ए से जीरो तक आने में कितना टाइम लगेगा ये हमको डिटरमिन करना है। तब इसको हम क्या करेंगे कि हमको थीटा तो यह टोटल के लिए एक ही है, तो अब हम चेंज करेंगे कि हमारा ये चेंज हो आर के टर्म में, क्योंकि जब आर के टर्म में चेंज होगा तभी हम देखेंगे कि आर इज इक्वल टू ए पर यदि टी की वैल्यू जीरो रहे, यहीं से टाइम मेजर करें, तो यह ए से जीरो पर आ जाए आर की वैल्यू, तब हमारा टाइम जीरो से यहाँ क्या आएगा, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो अब इसको हम आर में चेंज करें, तो आर में चेंज करेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर और डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एच। यहाँ अब आपको आर भी मालूम नहीं है और डी आर बाई डी थीटा भी मालूम नहीं है, अब इसे डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू हमको चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए, इसको अभी हमने वन मान लिया, अभी हमने देखा कि हमको जो ज़रूरत होगी उसी को हम निकालेंगे। तो आपका डी आर बाई डी थीटा यदि मालूम है तो वन बाई कर देंगे तो डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा, और डी आर बाई डी थीटा निकलता कैसे है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन लिखते हैं यू के टर्म में जब डी यू बाई डी थीटा आएगा तो उसको हम डी आर बाई डी थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो यानी डी आर बाई डी थीटा निकालने के लिए आपको डी यू बाई डी थीटा चाहिए, और डी यू बाई डी थीटा निकलेगा कहाँ से कि जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन दिया गया है यह एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर और डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू टी बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो एच स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया तो केवल यू स्क्वायर, या पहले यदि आप लिखें तो डी टू यानी हमारा जो इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट का डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू प्लस यू इज इक्वल टू पी बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये होता है। अब इसी को हम लिखेंगे और इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा डी यू बाई डी थीटा आ जाएगा, और जब डी यू बाई डी थीटा आ जाएगा
तब उसको हम आर में चेंज कर लेंगे। तो जब आर में चेंज होगा तो हमारा डी आर बाई डी थीटा निकलेगा, वन बाई कर लेंगे तो डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा। यानी और उसी में हमको यच भी चाहिए, तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज करेंगे तो उसमें यच आ जाता है, तो वहाँ के लिए हमको उस वर्ग के लिए वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है उससे हम आवे और केवल फर्स्ट डेरिवेटिव तक आवे, क्योंकि हमको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। लेकिन जब सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन निकालना होता है तो जब डी यू बाई डी थीटा चाहे डी आर बाई डी थीटा निकालते हैं तो उसको एक बार और इंटीग्रेट करते हैं और तब वह यू और थीटा में आता है, वो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन होता है। तो यहाँ सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन नहीं निकालना है, यहाँ हमको डी यू बाई डी थीटा निकालना है, उससे हमारा डी आर बाई डी थीटा निकल आएगा। यानी डी आर बाई डी थीटा निकालने के लिए सेंट्रल ऑर्बिट के इक्वेशन से ही हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा। तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब इसमें पी की वैल्यू को लिख लेंगे जो हमारा पी दिया गया है, या इस एच स्क्वायर को इधर करें तो एच स्क्वायर इधर और यह है डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू और यहाँ से पी। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू ये दिया गया है म्यू थ्री यू क्यूब प्लस ए स्क्वायर यू टू दी पावर फाइव और अपान यू स्क्वायर, यहाँ से यू स्क्वायर ये वैल्यू हम लिख लेंगे। अब इस यू स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो यह एच स्क्वायर और यह डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, यह यू स्क्वायर से डिवाइड किया तो यह म्यू और यह थ्री यू और प्लस ए स्क्वायर यू क्यू, यह हमको मिल गया यू के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, टू डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई टू डी यू बाई डी थीटा We find h square 2 du by d theta into d2u by d theta square plus 2u du by d theta और यहां से mu और 3 यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू क्यू और 2 डी यू बाई डी थीटा, ये आ गया हमारा 3 यू, ये यू स्क्वायर नहीं है, यहाँ 3 यू प्लस ए स्क्वायर यू क्यू ये आ गया। अब इसी को हम लिख लेते हैं, ये हर क्वेश्चन में किया गया है, बार बार बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, इसको लिख लेते हैं डी बाई डी थीटा हाफ डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर और प्लस डी बाई डी थीटा यू स्क्वायर इज इक्वल टू योर म्यू और थ्री यू प्लस ए स्क्वायर, टू को पहले कर लें, टू कांस्टेंट है पहले आ गया, ए स्क्वायर यू यू और डी यू बाई डी थीटा ऐसा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग इस वन की जरूरत पड़ेगी इसलिए उसको अभी मिटा नहीं रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करें।
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यह एच स्क्वायर ए आ गया डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेट टू सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यह यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, और यहाँ आप टू म्यू है और डी यू बाई डी थीटा है और डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो डी थीटा कैंसिल हो गया डी यू बचा यानी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तब आपका आया यहाँ टू म्यू और थ्री यू स्क्वायर बाई टू, थ्री यू स्क्वायर बाई टू और प्लस ए स्क्वायर यू टू द पावर फोर बाई फोर, ये वैल्यू आई। और एक कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं सपोज किया के, तो अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, अभी हम देखते हैं कि यही हमारा जो आता है वो भी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये वेलोसिटी भी होता है तो ये वैल्यू हमारा भी स्क्वायर ऐसा आ गया। अब आपको इसमें यच की भी जरूरत है तो यहाँ से यच निकाल लेंगे, और एक बार जब इसका अब डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर है तो आ गया, अब हम क्या करेंगे कि इसमें कंडीशन लगाएंगे इस के की वैल्यू के लिए, तो जब आपका एप्स से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ यू की वैल्यू वन बाई ए हो जाता है, यानी आर की वैल्यू है तो यू की वैल्यू वन बाई ए, और डी यू बाई डी थीटा जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ डी यू बाई डी थीटा जीरो नहीं होगा, वो हमारा इसकी वैल्यू हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे ये इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने किया है उसमें ये वर्क आया है, तो हम लोग ये देखते हैं कि यही जो वैल्यू आया इस पर जो टेंजेंट है इस टेंजेंट को आगे बढ़ाएं और इससे परपेंडिकुलर लाइन लें, यदि ये लाइन आपका ये परपेंडिकुलर लेंथ पी हो तो यहाँ से जो वैल्यू आता है इसको हमने टू ले लिया, अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको डी यू बाई डी थे और इसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे तो आपका एट ए, एट ए आर इज इक्वल टू ए दैट इज यू इज इक्वल टू वन बाई ए, भी इज इक्वल टू रूट टू रूट म्यू बाई ए, जो भी की वैल्यू है, अब इसी पर हमें परपेंडिकुलर इसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एंगल हमारा फाई होता है और यही फाई ये 45 दिया है, यह एंगल और एंगल दोनों इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू होगा यह ए साइन फाई, पी की वैल्यू ए साइन फाई, और पी की वैल्यू निकालना क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि भी इक्वल टू दिस इफ पी इज परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स, फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू द टेंजेंट एट ए, टू द टेंजेंट एट ए, देन वन बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई आर स्क्वायर प्लस वन बाई आर टू द पावर फोर डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, ये इसके पहले क्वेश्चन में किया गया था तो उसी की वैल्यू हम लोगों ने जब इसको यू में चेंज करेंगे तो यह यू स्क्वायर प्लस यह डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, तो यह वैल्यू हम देखें कि आर की वैल्यू जब ए है यानी यू की वैल्यू वन बाई ए तब यह क्या आया, तो इसी की वैल्यू जो हमारा यहाँ है यह
इतना, इसकी वैल्यू 1/p2। तो 1/p2 की जब वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ, तो वह p हो गया a sin 45। तो दिस इंप्लाई 1/a sin 45 degree, और यह u² + du/d θ इसका स्क्वायर। जब हमारा f से प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है, u की वैल्यू 1/a लिख लेते हैं तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब ये सीधे u की वैल्यू 1/a और यह जीरो, तो h की वैल्यू निकल आती है। लेकिन इसमें चूंकि f से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा तो du/d θ जीरो नहीं होगा, तब इस टोटल की वैल्यू क्या, ये जब तक नोन नहीं होगा तब तक h स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए इसी की वैल्यू हमारा 1/p² हुआ, और p हमारा a पर जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ है, तो यह a साइन फाइव की वैल्यू 45, तो ये स्क्वायर। यह आ गया, अब साइन 45 इसकी वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यह यानी ये 1/2, लेकिन टोटल का 1/ में है, यह 1/ में है पी, तो इसकी वैल्यू 1/a² / 2, अब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/a², तो दिस इंप्लाई d2u/d θ² + u² = 2/a² ऐसा आ गया। अब इस टोटल की वैल्यू 2/a² आ गया, तब हम यह वैल्यू निकल आया, वेलास्टी हम लोग निकाल चुके हैं इतना, और तब इस कांस्टेंट की यहाँ आप लिख लेंगे कि वेयर a इज कांस्टेंट, ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, वही हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तब ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, अब उसका यूज हम लोग करेंगे, यानी इसकी वैल्यू ये हो गया, r की वैल्यू, u की वैल्यू, या v की वैल्यू, ये सब कुछ यहाँ दिया है। तो अब इसकी वैल्यू को हम इसमें लिखेंगे, लिखने पर h की वैल्यू और जो कांस्टेंट है कि उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो अब यहाँ से तो नाउ इक्वेशन टू गिव्स v² की वैल्यू करेंगे तो 4μ/a² v² हुआ, और यह h² और इसकी वैल्यू आ गया आपका 2/a² 2/a² इज इक्वल टू, अब इसमें e u को 1/a करना है, 1/a, तब यहाँ से 2μ और 3/2 1/a² और प्लस यहाँ से a^4 होगा तो 1² समाप्त हो जाएगा, यानी 1/4a² यह हुआ, और प्लस कांस्टेंट के, ठीक है ये। अब इसकी वैल्यू h की वैल्यू और du/d θ की वैल्यू हमको निकाल लेना है, तो यहाँ से आप देखें h स्क्वायर इस a² से a² कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यानी 2μ, तो यह h² की वैल्यू 2μ, यह a² से a² कैंसिल, 2 से 4 2 times 2μ h² आ गया। अब हमको निकालना है इस k की वैल्यू, तब आप देखेंगे कि इसमें 4a² और यह a² दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार आप लिख ही लें, एंड 4μ/a
ये स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करेंगे तो टोटल का एलसीएम आएगा 4a² या यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो यह 2 कैंसिल हो जाएगा और तब 2a² ये हमारा एलसीएम हो गया इसका 2a², यहाँ केवल बचा म्यू क्योंकि इसमें से 2 को कॉमन ले लिया तो ये समाप्त हो गया। अब आपका यह है ए स्क्वायर है और 2 तो यानी 6a² यहाँ से आएगा और यह 2a² है तो +1a² यह भाई एक बार कैलकुलेशन को देख लें, क्या 2 को कॉमन ले लिया 2 से कैंसिल हो गया था, अब ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो केवल 6 आएगा, केवल यह 1 आएगा, 1 आएगा। एक कैलकुलेशन हो गया हमारा, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और के की वैल्यू को निकालना है, तब हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इस 2 को म्यू से म्यू कैंसिल तो फाइनली अब प्लस यह के कांस्टेंट भी है तो आप देखेंगे कि इस टोटल को हम इधर लाएंगे, आईएलसीएम यदि 2a² इधर करें तो 8μ/2a² और यह आया तो -7μ/2a² = k या दिस इंप्लाई k = μ/2a² μ/2a² अब यच और के दोनों निकाल लिया गया, इसको हम इसको थर्ड सेकंड टू इक्वेशन 2 इस इक्वेशन 2 में एच स्क्वायर की वैल्यू को रख दें तो इस इक्वेशन में हमने देखा के की वैल्यू निकल आया और एच स्क्वायर की वैल्यू निकल आया। अब इस एच स्क्वायर और के दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें, उसको du/dθ निकालें और फिर du/dθ के साथ हमको dr/dθ ऐसा। तो अब हम इनकी वैल्यूज को इसमें रखें तो k की वैल्यू यहाँ आया है और h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आया, तो k और h स्क्वायर यही चाहिए हमको, शेष वैल्यूज को हम मिटा के और फिर जहाँ इसका इक्वेशन 2 में जगह है उसको हम रख देते हैं, तो इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यू को रखें पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर एंड के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर एंड के इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 वी गेट, अब देखें एच स्क्वायर की वैल्यू है 2μ और du/dθ इसका स्क्वायर +u² और फिर यहाँ से 2μ और 3u² / 2 +a² u^4/4 और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की वैल्यू के, तो के की वैल्यू μ/2a². अब ये सारी वैल्यू लिख ली गई, एच स्क्वायर की जरूरत हमको आगे भी पड़ेगा तो यहाँ h² = 2μ ऐसा हमने लिख लिया, जहाँ जरूरत होगी हम उसका यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ से du/dθ इसकी वैल्यू को निकालना है, तो du/dθ की वैल्यू को निकालने के लिए एक तो 2μ और 2μ, ये पहले म्यू तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन यहाँ जो 2 है उसको टोटल को एक बार कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगा, यहाँ से म्यू को कैंसिल कर लें और या 2 से टोटल में डिवाइड कर लें, तो टोटल में डिवाइड 2μ से, तो यहाँ कैंसिल 2μ कैंसिल
और टू से म्यू तो फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू म्यू से डिवाइड कर लिया तो यह थ्री यू स्क्वायर बाई टू और प्लस ए स्क्वायर यू टू दी पावर फोर बाई फोर और प्लस म्यू कैंसिल हो गया लेकिन यहाँ वन बाई फोर ए स्क्वायर ऐसा आ गया वन बाई फोर ए स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को दूसरे साइड में ले जाए तो यह डी यू बाई टी थीटा इसका स्क्वायर ये जो वैल्यू आया उसको अब हम इधर लावे तो यह थ्री यू स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर यू टू द पावर फोर बाई फोर और प्लस वन बाई फोर ए स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर ऐसा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं इस टोटल को क्योंकि वैल्यू हमको लाना है डी आर बाई डी थीटा में इसलिए टोटल U को R में चेंज करें। इस फार्मूला में R स्क्वायर डी थीटा बाई तो डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे उसी का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये वैल्यू हमको निकल आएगा। तब अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से चेंज करते हैं U को R के टर्म में तो चेंजिंग U इन टर्म्स ऑफ R चेंजिंग U इन टर्म्स ऑफ R U in terms of R we have तो ये हमको मिल जाएगा वन बाई U की वैल्यू लिखते हैं वन बाई R U की वैल्यू वन बाई R और यह डी यू बाई डी थीटा ये हमारा माइनस वन बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा ऐसा आता है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यह वन बाई आर टू द पावर फोर और यह डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर ऐसा आ गया इज इक्वल टू थ्री बाई टू आर स्क्वायर यू को आर में चेंज किया और प्लस ए स्क्वायर और बाई फोर आर टू द पावर फोर प्लस वन बाई फोर ए स्क्वायर माइनस वन बाई आर स्क्वायर ये वैल्यू आ गया हमारा को मल्टीप्लाई कर तब आपका आया डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर आर टू द पावर फोर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह थ्री आर स्क्वायर आर स्क्वायर और बाई टू प्लस यहां से ए स्क्वायर बाई फोर और प्लस यहां से आर टू द पावर फोर आर टू द पावर फोर बाई फोर ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस आर स्क्वायर ऐसा आ गया। फोर से फोर ए स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें फोर ए स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें तभी हमको मिल गया फोर ए स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर। तो फोर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल गया सिक्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसा मिलेगा और प्लस यहाँ से फोर ए इसको तो ए टू द पावर फोर ए टू द पावर फोर प्लस यह केवल आर टू द पावर फोर और माइनस यह फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसा हमको मिल गया। तो अब हम देखेंगे सिक्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर
तो यह 4a² dr बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, तो r टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 और प्लस 6 से 4 कैंसिल, तो 2a² r² ऐसा आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आर स्क्वायर का स्क्वायर तो 4, ए स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट, यानी यहाँ से यह जो आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिल गई, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट ऐसा आ गया। तब डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यह वैल्यू आएगा इस 4a² को, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपान 2a ऐसा हमको मिल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहीं से डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू यहाँ लिखी जा सकती है। तो ये टोटल वर्क हमको टाइम निकालना है और इसी के लिए किया गया है। एच की जरूरत है तो एच की वैल्यू यहाँ हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब इन सभी वैल्यूज को इसमें अब हम रखेंगे। तो इस तरह से डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकल आए। अब आप देखेंगे कि हमको जो टाइम निकालना है वो ए से और जीरो की तरफ लाना है, तो ये आर के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। तब हम यहाँ से जो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू लेंगे वो निगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो यूजिंग पुटिंग डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ए, इक्वेशन वन गिव्स आर स्क्वायर। अब यह डी थीटा बाई डी आर है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू आर स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एच। अब हम देख रहे हैं कि डी आर के साथ जितनी भी वैल्यूज हैं उनको लिख लें और डी टी को एच के साथ ले लें। तब यहाँ से वैल्यू माइनस टू ए, यह कांस्टेंट है, और यह वैल्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यह डी आर और यह एच डी टी, ये निकालिए। अब हमको निकालना है आर की वैल्यू ए से सेंटर ऑफ फोर्स तक, जीरो तक। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें ए से जीरो तक, और तब तो हम टाइम को यहाँ से मेजर करें तो टी इज इक्वल टू जीरो से अब यहाँ तक का जो टाइम है उसको यदि हम टी ले लें तो यह टी, यानी जीरो से यहाँ तक का आने का जो टाइम है वो हमने टी ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह माइनस टू ए, यह निगेटिव है, निगेटिव को समाप्त करने के लिए इसका लिमिट को चेंज कर लो, तो ये प्लस आ गया, यह जीरो टू ए। अब आप क्या कर रहे हैं कि आर स्क्वायर ए पावर सेम है, पावर लेस होता है इससे, तब तो इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं उसको टी या कुछ मान लो तो डिफरेंट, लेकिन जब पावर हमारा इक्वल आ जाए तब हम क्या करेंगे कि इसमें इसको जब पावर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर डिनोमिनेटर के पावर से न्यूमरेटर का पावर इक्वल या ग्रेटर हो तो इसे डिवाइड करते हैं और तब उसको हम चेंज करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा हमने कर लिया और यह डी आर ये वैल्यू आया और यह एच टी।
एच कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी, और लिमिट रखेंगे तो टी माइनस जीरो ऐसा आ जाएगा। अब इसको इस तरह से किया कि अब देखिए हमारा ए आ गया, यह वन आ गया और ये स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा अब उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो यह टू ए और इंटीग्रेशन जीरो टू ए और यह वैल्यू वन माइनस ए स्क्वायर और वन अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह वैल्यू डी आर और यहाँ से एच टी, ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह डी आर का यह आर हो गया वैल्यू ए, इसका इंटीग्रेशन आर माइनस ए स्क्वायर तो है यह वन बाई ए टेन इनवर्स आर बाई ए, यह आर बाई ए और इसका लिमिट जीरो टू ए और यह एच टी, अब लिमिट को रखें तो यह टू ए आर की वैल्यू ए माइनस एक, ये समाप्त हो जाएगा केवल एक ए ही बचा और यह टेन इनवर्स वन ए बाई ए वन इज इक्वल टू, अब जीरो करेंगे तो आर की वैल्यू जीरो और टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो लोअर लिमिट से हमको कुछ नहीं मिलेगा एच टी, तो ए को कॉमन ले लें यह टू ए स्क्वायर और यह वन माइनस टेन इनवर्स वन, इसका मतलब हुआ पाई बाई फोर और यह एच टी। अब हमको जो रिजल्ट लाना है इस फार्म में लाना है कि ए स्क्वायर इस यच की वैल्यू इधर लाएं और उसी यच की वैल्यू अंडर रूट टू म्यू जो हमारा यह है, तो दिस इंप्लाई टी, टी की वैल्यू निकाल तो टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बाई एच, एच की वैल्यू रूट टू म्यू, अब इस टू को मल्टीप्लाई कर दें तो जब टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन में तो यह टू और यहाँ से माइनस पाई बाई टू, यही टाइम हमको दिखाना था, टोटल रिजल्ट आपका ये आया। तो एक बार देखें क्या इसके लिए क्या हम लोगों को करना पड़ा, तो टोटल क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक पार्टिकल है और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक पॉइंट से जो 45 डिग्री बना रहा है और उस पर जो वेलोसिटी है वो इसी डिस्टेंस के रेडियस का एक सर्किल हो और इसी फोर्स से यदि उसको मूव कराया जाए तो जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो वो वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया सर्किल पर कैसे निकालते हैं और वर्क हो चुका है, तो पहला वर्क ये कर लेंगे। इसके बाद से जो हमको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए आर स्क्वायर, यह जो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी था यह वैल्यू एच, इसी को चूंकि आर की वैल्यू ए से जीरो तक लाना है इसलिए इसको हमको डी आर में चेंज करना पड़ा, तो आर स्क्वायर को डी थीटा बाई डी आर और डी आर बाई डी टी एच, अब इसमें एच और डी आर बाई डी थीटा यह निकालना है, तो इसे निकालने के लिए हमको सेंट्रल आर्बिट का इक्वेशन लिखें, उसमें जो पी की वैल्यू है उसको रख दें, टू डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और वो टर्म डी यू बाई डी थीटा में आएगा, उसको हम डी आर में चेंज कर लेंगे, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकल आएगा, उसको यहाँ रखेंगे, लेकिन डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर वो आ रहा है उसमें हम निगेटिव साइन का यूज करेंगे क्योंकि ये टाइम हम जीरो यहाँ से मेजर कर रहे हैं और आर यहाँ से मेजर यानी एक डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, तब हम निगेटिव साइन का ले लेते हैं, उसको रख लेते हैं। और जो एफ से नहीं किया गया प्रोजेक्ट तो उसके लिए हम यह वन बाई पी स्क्वायर इजक्वल टू वन बाई आर स्क्वायर प्लस वन बाई आर टू द पावर फोर डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, उसको यू में चेंज करके और पी की वैल्यू ए साइन फाइव फाइव 45 है उसकी वैल्यू लिख करके निकाल लेंगे। इस तरह से टोटल हमारा एक कंप्लीट वर्क हुआ। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट जो हम लोग कंडीशन निकालते हैं तो जैसे काक इनवर्स टू का निकाला गया था सेम उसी पैटर्न पे है।